त्रिवेणी का किनारा और उस पर बसी हिंदुस्तान की आत्मा। असली हिंदुस्तान के रंग तो यहीं बिखरते हैं। आस को पंख लगते हो जहां, जीवन के संताप धुलते हो जहां, सब कुछ पर श्रद्धा को समर्पित वो गंगा घाट है यहां। हिंदू धर्म का एक बहुत ही पावन, महत्वपूर्ण और धार्मिक स्थल प्रयागराज। पिछले सीजन में हम प्रयागराज आ चुके हैं और मुझे याद है कि मैंने आपको प्रयागराज के भरपूर दर्शन करवाए थे, चाहे वो लेटे हुए हनुमान हो, चाहे वो आनंद भवन हो, चाहे वो महादेवी वर्मा जी का घर हो, चाहे वो प्रयागराज का म्यूजियम हो। लेकिन प्रयागराज एक ऐसी जगह है जिसे सिर्फ एक बार आने से ना तो उसे पूरी तरह से समझा जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है। इसीलिए इस सीजन के इस एपिसोड में मैं आपको प्रयागराज के वो पहलू दिखाऊंगा जो हमने पहले नहीं देखे थे। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और पुराणों के अनुसार अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। आप जानते हैं ये वो पावन जगह है जहां पर महात्मा गांधी जैसे कई महान लोगों की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो जाहिर है कि इससे बेहतर प्रयागराज में कोई जगह नहीं हो सकती जहां से एपिसोड की शुरुआत की जाए। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के प्रयाग से शुरुआत होगी प्रयागराज की। जानूंगा कैसे अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक झील को बचाया सेना की गंगा टास्क फोर्स ने। देखूंगा गंगा किनारे मिलने वाली जंगली घास से कैसे हो रही है खूबसूरत हस्तशिल्प कला। जाऊंगा ऐसे हलवाई की दुकान जिसके नाम से जाना जाता है प्रयागराज का एक चौक। ये फॉरेन में भी जाती है। जानूंगा गंगा को प्रयागराज में साफ रखने के नमामि गंगे के बड़े कदम। होगी सैर खुसरोबाग की, जहां है मुगल बादशाह जहांगीर के परिवार के मकबरे। दर्शन होंगे नागों के राजा को समर्पित नागवासुकी मंदिर के। करूंगा सजदा चंद्रशेखर आजाद को उनकी स्मृति में बने पार्क में। अयोध्या से प्रयागराज की दूरी लगभग 168 किलोमीटर है। प्रयागराज सत्य, कामना और मोक्ष का स्थान, जहां तीन नदियों का प्रयाग होता है। हर साल यहां लाखों श्रद्धालु देश विदेश से इस पावन संगम के दर्शन करने आते हैं। ये गंगा जल जो अपने अंदर विष और अमृत दोनों समाकर भी बस अविरल बहता है, ना तो प्रेम से अभिभूत और ना ईर्ष्या से वशीभूत। अगर हमारे अंदर भी त्रिवेणी के जल सा भाव आ जाए तो फिर मोक्ष दूर नहीं। और इसी गंगा का जल है जो कभी कभी झील बनकर तरह तरह के जीवों का आशियाना बन जाता है। प्रयागराज का यह मानव निर्मित मैकपर्सन झील अपने आप में विशेष है। यह झील जो विलुप्त हो चुकी थी उसे भारतीय सेना की गंगा टास्क फोर्स ने पुनर्जीवन दिया। आप जानते हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति में, किसी भी गंभीर स्थिति में भारतीय सेना को बुलाया जाता है। अब जिस जगह हम जा रहे हैं उसकी हिफाजत भी भारतीय सेना की एक टुकड़ी के पास में है, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर होगा। लेकिन जो अंजाम है हम सब जानते हैं हमारी आशा के अनुकूल होगा, क्योंकि ये है ये वर्दी उनका ख्याल रख रही है। हमारा राइट सर, ये बात बताओ आर्मी वालों को देख के इतनी खुशी क्यों मिलती है? मैकपर्सन लेक, इसका नाम मैकपर्सन क्यों पड़ा और क्या ये हमेशा से ऐसा ही था जैसा आज दिख रहा है? MacPherson, as the name suggests, it comes from the British name. Yeah. So there was a gentleman called MacPherson in the early 1860s, and this was a man-made lake. So आप ये बोल रहे हैं कि 1860 में इस लेक का निर्माण हुआ था? ये कोई प्राकृतिक लेक नहीं है, ये हमारे हाथों से लेक बनाई गई थी, उस टाइम अंग्रेजों ने ये लेक बनाई गई। इस लेक का जो सोर्स है वो
यू नो अंडर वाटर सोर्स है एक्चुअली, पानी या नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स से लेक बनाया गया था. ये नीचे जाके गंगा में जाके मिलता है. ये इनलेट है जो मैकफर्सन जो है तो उन्होंने बीच में ऐसे रोका, इसलिए इसको ऐसे एक मैन मेड लेक टाइप बना दिया. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, यहाँ पे अराउंड द लेक यू नो हैबिटेशन आ गया. तो परफोर्स क्या हुआ, सारे ड्रेनेज जो है वो निकल ले के सीधा वो लेक पे चला जाए. तो जो प्योर वाटर था उसमें ड्रेनेज गिरते गया तो वाटर पोल्यूट होने लगी. जब वाटर एक लेवल के आगे पोल्यूट हो जाता है तो वो नेचुरल साइकिल होता है जो आपके सामने दिख रहा है, जलकुंभी जो इंग्लिश में वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, वो आने लग जाता है. ये वाटर हाइसिंथ क्या है, एक इनवेसिव स्पीशीज बोलते हैं. ये जल्दी स्प्रेड हो जाता है, बेसिकली जल्दी स्प्रेड होकर पानी को अगर ऊपर से कवर कर लेता है तो सनलाइट ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, लेवल कम, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है. तो सारे जो एक्वाटिक एनिमल्स जो है तो अंदर वो अपने आप मर जाते. कितना बड़ा ये 1 किलोमीटर का पैच आप लोगों ने क्लियर किया? ये वाला एरिया इट इज अराउंड 2.6 यू नो किलोमीटर इन सर्कमफेरेंस. 2.6 किलोमीटर पर किया गया आप लोगों ने? वेटलैंड रिजुविनेशन जो है वो हमारा एक मैंडेटेड टास्क है. तो इनिशियली क्या क्या इन्होंने, जो नॉर्मल मैनुअल लेबर जो होता है, नॉर्मली एक डंडे से आयरन के हमने ऐसे ही हुक बनाया, हुक बना के तो हम लोग जलकुंभी को खींचते थे. ठीक है, फिर हम वैसे शुरू करने के बाद इन कपल ऑफ मंथ्स देन वी स्टार्टेड सीइंग वाटर. सर ये पानी के बीच में मुझे ट्रे ऐसा लग रहा है कि बैम्बू की ट्रे है, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए है, इसका कोई पर्पस है? नो, बायो रेमेडिएशन मेथड है. उसमें प्लांट्स है जिनका नेचुरल प्रॉपर्टीज है पोल्यूटेंट्स कम करने का या पोल्यूटेंट्स अब्सॉर्ब करने का. ये जो कैना प्लांट है, ये प्लांट ऐसा है कि जो रूट से वो ऑक्सीजन निकल सकता है तो वो पोल्यूटेंट्स को अपने आप ऑब्जर्व करते हैं. क्या खूबसूरत बना दिया आपने इस एरिया को पूरा का पूरा. मैं तो कहूँगा सुबह अपने दौड़ने के लिए आपने एक बहुत ही कमाल की जगह बना ली ना, सुबह सुबह यहाँ पे आके चाय पीने में कितना मजा आएगा. देखूंगा कैसे नैनी गाँव की महिलाओं का गंगा घास से बना काम छा रहा है देश विदेश में. तो हमारे तो दिल ही बदल गए हैं. 1942 की इस मशहूर हलवाई की दुकान का चखूंगा स्वाद. नमामि गंगे के प्रयागराज के सबसे बड़े एसटीपी में देखूंगा कैसे होता है गंगा का पानी साफ. जाऊंगा खुसरो बाग जो है मुगल वास्तुकला का शानदार नमूना. कारवां पुराना है पर सफर नया है, इरादे बुलंद है तो जोश भी जवान है. अरे यार, इस सफर में अगर गंगा के साथ यमुना का भी दीदार होगा तो कुछ राहों में शायद आपका भी घर होगा. मेरी मंजिल भी आप, मेरा मकसद भी आप. जिस गंगा के संग हूं मैं, उस गंगा की पहचान भी आप. तो आज मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह. तो जनाब तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं आपके द्वार पे दस्तक देने, आपका स्नेह और सहयोग दोनों लेने. तो देखना ना भूलिएगा, रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा, आपके अपने और राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन नेशनल पर हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे. सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं. Canara Home Loan, Canara Bank. Together we can. आकर्षक रंग से बनी टोकरियां, ये फिर से उस बात को प्रमाणित करती हैं कि गंगा सिर्फ हमारे जीवन में जल ही लेकर नहीं आती बल्कि ये रोजगार भी लाती है. गंगा किनारे मिलने वाली जंगली घास से ये खूबसूरत हस्तशिल्प कला होती है. देश विदेश के बाजारों में प्रयागराज के इस नैनी गांव के कलाकारों की धूम होने लगी. बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गया. आप जानते हैं इलाहाबाद के पास नैनी गांव में एक बहुत ही खास कला बसती है. यहाँ की महिलाओं के हाथ में जादू है क्योंकि वो जंगली घास को ऐसी सूरत देती हैं कि देखने वाला बोलता है वाह क्या चीज बनाई. नमस्कार. नमस्ते. कैसे हैं आप लोग? ठीक. कितनी दूर चल के आया हूँ मैं आपसे मिलने के लिए, बैठ जाऊं? तो क्या बना रही हैं आप? ये पेंदी बना रहे हैं डिब्बा का. पेंदी बना रहे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आपदा है, मैं महिवा पूरा पट्टी प्रयागराज से हूँ. मेरे को देख के बात करिए ना, शर्मा क्यों रही है? क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत आप ये उत्पाद बनाती है. ये जादू आया कहाँ से आपके हाथों में? जी ये मम्मी से मैं सीखी हुई, पुश्तैनी चला आ रहा है. मम्मी अपने मम्मी सीखी, नानी से मैं मम्मी से सीखी. मम्मी कहाँ आपकी? ये बैठी है. मम्मी जी कहाँ है? ये बैठी है. यहाँ बैठे हैं देखिए.
अब मैं सीख कर दूसरे को भी सिखा रही हूँ, मैं एक ट्रेनर भी हूँ, उनसे उसका रोटी रोटी इसी से चलता है। अच्छा पहले ये बताओ कि आप बनाते क्या हो? ये जो घास है ये मैं देखता हूँ, ये नदी जी, नदी किनारे होता है, ये ना होगा तो सामान नहीं बनेगा जी। वो उसमें सुखाते हैं, व्हाइट हो जाता है, फिर इसको कलर करते हैं जी। कलर करके तब बनाते हैं। मतलब आपने राख में से सोना बना दिया जी? अक्सर कब बनता है? मूंज साल में एक ही बार होता है, जब ऑर्डर आता है तो बनाने लगते हैं। अच्छा तो मतलब आप बना के रखते हैं, फिर साल भर इसको बेचते रहते हैं, एग्जीबिशन वगैरह भी लगाते हैं। आप जब से योगी सरकार ODOP में की तहत हमारे हुनर को नई पहचान दिलाए हैं तो हमारे तो दिन ही बदल गए हैं। तो देखिए ये 50-60 सालों से ये हुनर हमारे देश में था, इस क्षेत्र में था, लेकिन उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी, हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इतना खूबसूरत प्रोडक्ट अब मार्केट में आ गया। जी जी, देश विदेश में, मेरी प्रदेश में जब लगता है तो हमको बुलाया जाता है, हम अपना उत्पाद लेके जाते हैं और बेच कर भी आते हैं, और सरकार तरफ से हमको आने जाने का भाड़ा भी मिलता है। अब तो हमको सब जानने भी लगे तो खूब पैसा बना लिए आप। कहाँ गाड़ी पहले से बहुत गाड़ी कहाँ पार्क की है ये बताएं? गाड़ी तो अभी नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आ जाएगी आपके पास में, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर आप लोगों ने बनाए। अच्छा क्या क्या बनाते हैं? जैसे पब्लिक का जो डिमांड रहता है तो हम बना सकते हैं। वेरी नाइस। अब ये कितने सालों से बना रहे हैं आप लोग? मम्मी से? मम्मी ने अपनी मम्मी से सीखी जी? मम्मी शर्मा बहुत रही है, देखिए ये पुश्तैनी चला आ रहा है, पुश्तैनी चला आ रहा है जी। तो मतलब करीबन गमिया कह ले 50-60 साल, 60-70 साल से बना जी, यहाँ सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। दूसरी बात ये मैं देख रहा हूँ कि आपकी मम्मी की जनरेशन तो यहाँ बैठी है जी, ये नई जनरेशन भी, नई पीढ़ी भी यहाँ बैठी है। बहुत खूबसूरत है आप भी बहुत शर्माती है। इनका बनाया हुआ रखा है बगल में, ये इनका बनाया हुआ है सब। आपका नाम? छोटा सा है, इरा फातिमा। इरा फातिमा, इरा बहुत सुंदर बना आपने। मान लीजिए कि मैं आपके पास में आऊँ कि मुझे सिखा दीजिए जी, तो मुझे कितना समय लगेगा सीखने में? ये सीखने में आपको 6-7 महीने में तो सिखा देंगे। 6-7 महीने में? हम लोग ही ना, अपने देश का जो लोकल हुनर है ना, स्थानीय हुनर है, उसकी हम बहुत ज्यादा कदर नहीं कर पाते जी, जी, हमें अक्सर लगता है विदेश से कुछ चीज आएगी तो वो बेहतर होगी, लेकिन देखिए हमारे देश में कितना टैलेंट है, खजाना, और एक बहुत काम की चीजें। जब तक हम कदर नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं खरीदेंगे, तब तक कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर होगा? जी सर, पहले कोई नहीं जानता था, ऐसे तैसे चलता था, इससे आगे कभी बढ़े ही नहीं। तो भविष्य कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ, बहुत अच्छा। थोड़ी प्रॉपर्टी वॉपर्टी खरीद लीजिए दुकान के लिए, बाद में जगह नहीं मिलेगी आपको। समोसा गर्म तेल में सिककर जब ये बाहर आता है तो अच्छों अच्छों के मुंह में पानी भर आता है। हर गली के मोड़ पर किसी न किसी हलवाई की कढ़ाई में समोसा अंगड़ाई लेता ही है, और यही हाल प्रयागराज की इस दुकान का भी है जो 1942 से अपनी मिठाइयों की मिठास से हर किसी को अपनी तरफ खींच रही है। देखिए बड़े बड़े महानुभावों के नाम पर, नेताओं के नाम पर सड़कें बनी हैं, गलियां बनी हैं, चौक बने हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन प्रयागराज में एक हलवाई के नाम पर चौक बना है, ये आप जानते हैं? कहा था ना मैंने आपको, खाने के लिए मैं ऐसी वैसी जगह पे नहीं जाता। नमस्ते हरीश जी, धन्य है आप, क्योंकि नेताओं के नाम पे तो चौराहे बनते हैं, एक हलवाई के नाम पे अगर चौराहा बना, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दुकान लोगों के दिलों पे राज करती होगी। ये तो आप लोगों की दुआ है, हमें खुद ही नहीं पता था कि ये हमारा चौराहा बन गया है। जब मैंने सिटी बस में देखा, नगर निगम में देखा, तो मेरे नाम से बन गया। कहीं ना कहीं शिद्दत है, कहीं ना कहीं एक ईमानदारी है, हमारी शुद्धता हमारी पहचान है जी। जो बनाएंगे वही बेचेंगे। ऐसे क्या चीज़ें जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं? ये आपको मैं खिलाता हूँ, ये देखिए नारियल की बर्फी खाइए, इसका टेस्ट लीजिए। नारियल की बर्फी मैंने बहुत खाई है, लेकिन वो नारियल नहीं खाई होगी जो मैं खिला रहा हूँ। दावे के साथ कह सकते हैं? दावे के साथ कह रहे हैं, यहाँ से दिल्ली वाले आते हैं तो ले जाते हैं यहाँ से। देखिए मुंबई वाला खा रहा है, ये फॉरेन में भी जाती है। बहुत बहुत स्वादिष्ट है, अब मैं हर बार खा के बोलता हूँ कि बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन क्या करूँ, मैं जाता हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पे तो स्वादिष्ट चीजें मिलती है। खास बात इसकी है कि मिठास कम है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। आपको नारियल का तेल आ रहा है, मिठास है, मीठी मीठी से इसका एक स्वाद है इसका। ये कच्चे गोले की से रोटी है। अच्छा पानी वाले गोले के बारे में? पानी वाले गोले के बारे में। कब से है ये दुकान? 1942। अरे मेरे पिताजी की जन्मतिथि है वो, तो ये तब से 1942 से ये जो मिठाइयाँ यहाँ बन रही हैं वो तब से बन रही है? वही है, वही है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, आज़ादी का फ्लेवर है इसमें। तो ये दुकान सिर्फ यहीं पर है या इलाहाबाद में और भी कहीं है? यही है भाई साहब। अगर आपको ये नारियल की बर्फी खानी हो तो आपको यहीं आना पड़ेगा, जाने से पहले मेरे लिए आधा किलो नारियल, आधा किलो नारियल बर्फी लगा दो, आधा किलो नारियल की बर्फी लगा देना भैया।
भारतीय आजादी का संघर्ष हो या पवित्रता का शंखनाद, हर पैमाने पर आगे है प्रयागराज। तीर्थ का राजा कहलाने वाले प्रयागराज को हमारी धार्मिक और राजनीतिक सभी किताबों में बड़ी प्रमुखता से उल्लेखित किया गया है। यहाँ के गली चौराहों पर आज भी हमारे आजादी के नायकों की प्रतिमाएं हैं और यहाँ हर दिल में आज भी त्रिवेणी की पवित्रता बसती है। यूं तो नमामि गंगे गंगा के तट पर बसे हर शहर में गंगा के संरक्षण के लिए काम कर रही है, पर मुझे बताया गया कि यहाँ प्रयागराज में काम कुछ ज्यादा ही जोरों से चलता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नमामि गंगे के अधिकारी से मिला जाए और ये जाना जाए कि क्या जरूरत है कि प्रयागराज में इतना काम हो। बड़ा कठिन है कुछ नया रच जाना, कुछ खास बनाना पड़ता है, कुछ खास दिखाना पड़ता है, गंदे पानी के नालों को निर्मल बनाना पड़ता है। यहाँ प्रयागराज में नमामि गंगे के सबसे बड़े अभियान वेस्ट पानी को ट्रीट करना हो या गंगा जल का संरक्षण करना हो, सब कुछ हो रहा है। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि अपनी नदियों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं जल है तो जीवन है। काफी बड़ा एचपी लग रहा है। हाँ सभी, काफी बड़ा एचपी है ये। इसमें दो यूनिट बने हुए हैं, एक तो 14 एमएलडी हमारा बना हुआ है और इसी बगल में 29 एमएलडी और बना हुआ है, तो दो प्लांट बने हुए हैं। तो इतने बड़े एचपी की क्या जरूरत है? प्रयागराज में जो है एक्चुअली जनसंख्या इसकी काफी ज्यादा है, इस लिहाज से यहाँ पर सीवेज जनरेशन 350 एमएलडी से ज्यादा होता है। तो क्या यही कारण है कि नमामि गंगे का इतना यहाँ पर जोरों से काम चल रहा है? जी, यूपी में इस समय हाईएस्ट ज्यादा काम, मैक्सिमम काम यहाँ पर है। हम इस समय करीब 268 एमएलडी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तीन जगह पर हमारे ट्रीटमेंट प्लांट और बन रहे हैं जो कि सितंबर पूरे हो जाएंगे, उसको पूरा करने के बाद हम 350 एमएलडी करके ट्रीटमेंट करने लगेंगे। ये 14 एमएलडी का जो ट्रीटमेंट प्लांट बना है ये SBR टेक्नोलॉजी बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बना हुआ है, और इसमें खासियत ये है कि ये हमारा BOD जो है उसका 10 से भी कम आ जाता है। BOD मतलब जो ऑक्सीजन को कम कर देता है पानी जो में। BOD बेसिकली ऑक्सीजन खा जाता है पानी का। हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है जीरो होना चाहिए पीने के लिए। वन सिटी वन ऑपरेटर, ये मैंने सुना है। हाँ, इसका हाँ, क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है जैसे एक कंपनी एक शहर को पूरा संभालेगी। जी, तो अदानी ने यहाँ पे सारे STP का O&M जो ऑलरेडी बने हुए एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अदानी कर रहा है, ताकि एक आदमी के पर जिम्मेदारी हो, अगर पकड़ना हो तो उसी कंपनी को पकड़ो और अगर तारीफ करनी हो तो उसी कंपनी। यू आर वेरी मच राइट, यू आर वेरी मच राइट। अगर हम ड्रेन की बात करें, हमारे पास 74 ड्रेन है एट प्रयागराज, जिसमें से हमने 16 ड्रेन का तो टैप कर लिया है और अभी हमारे छोटे छोटे ड्रेन जो बचे हुए हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सरकार अपना काम कर रही है, पैसा खर्च किया जा रहा है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा समर्थन अब भी नहीं है। इतना कचरा नजर आता है त्रिवेणी पे जो कि हमारा फेंका हुआ है, इनका नहीं है, तो सिर्फ नालों को साफ कर सकते हैं, जो कचरा जा रहा है गंगा के अंदर अन्य नदियों के अंदर वो साफ कर सकते हैं, लेकिन जो हम जाकर फिजिकली डालते हैं, अपने हाथों से हम चढ़ाते हैं धर्म के नाम पर, उसे रोकना तो हमें ही पड़ेगा ना। अच्छा सर, प्रयागराज में इसके अलावा और कितने STP? टोटल 7 STP बने हुए हैं। दूसरा, हम इसका कुछ इस्तेमाल रीयूज भी करते हैं पानी का, हम जैसे प्लांटेशन में कर देते हैं या एग्रीकल्चर में, नहीं पूरा एग्रीकल्चर में हम दे देते हैं पानी। अभी हम लोग ये बनाने जा रहे हैं इसको, जो NTPC को रीयूज करने के लिए पानी देने के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जो आप देखें गंदा पानी यहाँ दिख रहा है उतना, ये ट्रीटमेंट बाद इसका ये पोजीशन आती है। ये तो पीने का पानी? हाँ, नहीं पीने पानी लग रहा है, लेकिन बट पोटेबल वाटर, मतलब जितना भी गंदा पानी सीवर से यहाँ पर आ रहा है वो ऐसा होने के बाद वापस छोड़ते हैं? जी बेहतर छोड़ते हैं। अब इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है, ये क्या कर सकती है? प्रयागराज में अगर किसी चीज की कमी नहीं है तो वो है इतिहास की। ये खुसरो बाग प्रयागराज का ऐसा ही एक ऐतिहासिक स्थल है। 1857 में क्रांतिकारियों ने क्रांति का बिगुल यहीं से फूंका था, अंग्रेजों को खुलेआम चुनौती दी थी और 15 दिन तक यहीं से समानांतर सरकार चलाई थी। इन दृश्यों को जब हम याद करते हैं तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो कौन से बड़े नाम थे जो उस वक्त इस क्रांति से जुड़े थे? उस समय लियाकत अली और उनके जो भी क्षेत्रीय सहयोगी थे जी, उन्होंने इस जगह को, चूंकि चारों तरफ चार दीवारी से सुरक्षित जगह है, तो इस जगह को एक अपना एक केंद्र बनाया क्रांति का, और यहाँ से चुनौती दी अंग्रेजों को स्वतंत्रता के लिए, और काफी हद तक वो कामयाब भी रहे जी। जब भी प्रयागराज की तस्वीरें देखते हैं जी, चाहे वो कुंभ मेले की तस्वीरें हो कुछ और, ये दो जो पीछे, बिल्कुल बिल्कुल, ये आइकॉनिक और ये बहुत ही सुंदर कलाकृति है। ये लाल पत्थर का बना हुआ है, काफी हद तक आगरा के ताजमहल से इसकी लोग तुलना करते हैं। पर ये किनकी याद में बनाए गए थे यहाँ पे और किसने बनाए थे? ये जहांगीर के परिवार के सदस्यों के हैं, एक उनके बेटे का है, एक उनकी बेटी का है, एक उनकी प्रथम पत्नी का है। अच्छा सर, लगभग इसका निर्माण कब हुआ था? सर ये 16वीं शताब्दी में जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया जी,
और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये 40 एकड़ का पूरा एरिया है। चार बाग पैटर्न इसकी सबसे बड़ी खासियत है। चार बाग पैटर्न जो आप कह रहे हैं उसका मतलब हुआ कि चारों तरफ ये एक रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है और चारों तरफ एक ओपन स्पेस नजर आता है। अच्छा, मैंने सुना है कि किसी वक्त यहाँ पर बड़े बड़े फाउंटेन्स भी हुआ करते थे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इसका प्रमाण भी आज भी मौजूद है। चूंकि ये नदी से काफी दूर है तो यहाँ कुएं खोदे गए थे मुगल पीरियड में। गंगा जमुना का संगम है तो वाटर लेवल यहाँ का ठीक है। आज भी यहाँ पे कई कुएं हैं तो उन कुओं के माध्यम से पानी को मजदूरों के द्वारा हाइट पे चढ़ा के ग्रेविटी के थ्रू पानी को परकुलेट करके और फिर वो फाउंटेन के थ्रू प्रेशर से ऊपर आता था। आज भी आप सामने देखे तो एक फाउंटेन ही नजर आ रहा है जी, जो अभी कार्यशील नहीं है, लेकिन कभी आपने सही सुना है कि मुगल काल में यहाँ फाउंटेन हुआ करते थे, काफी सुंदर नजारा होता था। खुसरो जहांगीर का काबिल बेटा, अकबर बादशाह का चहेता पोता, और जिसे माना जाता था कि वो ही जहांगीर के बाद मुगलिया सल्तनत का बादशाह होगा। खुसरो पार्क में खुसरो, उनकी बहन और माँ के शानदार लाल पत्थरों के मकबरे। ये मकबरे एक बार फिर हमें मुगल काल की आकर्षक और अद्वितीय वास्तुकला का एहसास करवाते हैं। आगे होंगे दर्शन प्रयागराज के प्रमुख देवों में से एक नाग वासुकी के, क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आजाद के मैं करूंगा चरण स्पर्श। नाग वासुकी मंदिर, गंगा तट पर यह शायद इकलौता ऐसा मंदिर है जो वासुकी नाग को समर्पित है। शंकर भगवान के गले की शोभा बढ़ाने वाले वासुकी नाग को सांपों का राजा भी कहा जाता है। नाग पंचमी और माघ मेले के समय यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की विनती नाग वासुकी से करते हैं। पंडित जी, मानने वालों में इस मंदिर की इतनी बड़ी मान्यता क्यों? ये ऐतिहासिक 8000 वर्ष पुराना मंदिर है। 8000 वर्ष पुराना मंदिर है। जब समुद्र मंथन हुआ था जी, तो ये वासुकी जी को जो है रस्सी बनाया गया था। जब मंथन शुरू हुआ, देवताओं के लिए इन्होंने अपना शरीर अर्पण कर दिया, रस्सी बन गया। तो इन्होंने कहा विष्णु भगवान से, कोई ऐसा स्थान दीजिए कुछ दिन रहकर जीवित मैं और सेवा कर सकूं। गंगा किनारा है मंदिर के सामने, पंचकोशी में आता है जी। अगर आप किसी पर्व में आते हैं, संगम नहीं पहुंच पाते हैं, अगर यहाँ स्नान करेंगे तो वही फल मिलेगा जो संगम का महत्व। तो इनको यहाँ स्थान दिया, यहाँ ये निवास करने लग गए जी। अच्छा, हर साल इतने लोग यहाँ पे आते हैं, इतने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ विशेषकर नागपंचमी को बड़ा भारी मेला लगता है। कम से कम 2.5-3 लाख आदमी दर्शन करते हैं और मान्यता रहती है कि जो उस दिन वासुकी जी के दर्शन करेगा उसकी काल सर की शांति। अपने लिए नहीं, आप सबके लिए आशीर्वाद मांग रहा हूं। आ जाइए, अंदर आ जाइए। देखिए, 5 मुख के वासुकी नाथ जी, और ये एक पत्थर की मूर्ति है। मैं तो इनकी सेवा कर रहा हूँ, ऐसे ही बस बुढ़ापा कट रहा है इनके पास। बहुत से लोगों का प्यार और आपके शुभकामनाएं आपके लिए हमेशा ठीक है आती रही होंगी। बहुत बहुत वासुकीनाथ की तरफ से आप लोगों को भी शुभकामना जी। संपूर्ण कष्ट निवारण हो, मंगल में यात्रा होती रहे। चंद्रशेखर आजाद, तेरी हिम्मत को सजदा। इसी पार्क में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए खुद को गोली मारकर शहीद किया था आजाद ने, क्योंकि उन्होंने कहा था आजाद ही है और आजाद ही रहेंगे। आज उनकी स्मृति में बनाया गया ये चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज का दिल है। प्रयागराज का ये अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, मैं जानता हूँ पिछली बार भी यहाँ पर आया था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर आया हूँ खुद को ये याद दिलाने के लिए कि बहुत जल्द हम आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। राजीव, क्या है आपकी तैयारी? और जनाब, क्या है आपकी तैयारी? नहीं सोचा आपने? नहीं नहीं, ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है, ये कई लोगों की कुर्बानियों के बाद हमें मिली है। और जब कुर्बानी इतनी बड़ी हो कि सैकड़ों लोगों को आज़ाद भारत जीने के लिए मिल जाए, तो उस कुर्बानी का उद्देश्य पूरा करना उन सैकड़ों लोगों की जिम्मेदारी होता है। अखंड भारत, ताकतवर भारत, खुशहाल भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, यही तो उद्देश्य था, यही तो सपना था उनका जो हमें पूरा करना है। नहीं, ये सरकार पे मत धकेलिए, सरकारें सिर्फ नीतियां बनाती हैं, ये देश हमारे पसीने से चलता है। इस देश पर, पूरे भारत पर एक साइकिल चलाने वाले का उतना ही अधिकार है जितना एक विदेशी गाड़ी चलाने वाले का है।
एक किसान का उतने अधिकार है जितना एक उद्योगपति का है। तो जब अधिकार बराबर का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबर की हुई। तो मैं चलता हूँ, अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मिलूंगा, लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ में कि आज़ादी के इस महाजश्न में आप ज़रूर शरीक होंगे और आज़ाद के आज़ाद भारत का सपना ज़रूर पूरा करेंगे, कम से कम कोशिश तो करेंगे। गुड नाइट, खुश रहिए।